अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूवर्स, आज जिस टेस्ट के बारे में मैं बात करूंगा वो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से जान सकते हो कि किस पेशेंट को डायबिटीज टाइप 1 है और किस पेशेंट को डायबिटीज टाइप 2 है। डियर व्यूवर्स, आज का जो टेस्ट है उसे कहा जाता है सी पेप्टाइड टेस्ट। और डियर व्यूवर्स, इस टेस्ट के बारे में आज बहुत अहम कुछ आप सीखोगे, तो वीडियो के किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा ताकि आपको कंप्लीटली समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट को। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो कर दीजिए एमएलटी हब विद कामरान को सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो हमारी जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि सी पेप्टाइड है क्या। डियर व्यूवर्स, सी पेप्टाइड को कहा जाता है कनेक्टिंग पेप्टाइड, यानी कनेक्टिंग के नाम से ही पता चलता है कि ये दो किसी चीजों को आपस में मिला रहा होता है। वो कौन सी दो चीजें हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सी पेप्टाइड जो है, ये कनेक्टिंग पेप्टाइड जो है, ये 31 अमाइनो एसिड्स के चेन से बना होता है। ठीक है, पेप्टाइड और जो प्रोटीन है उसमें फर्क ये होता है कि जो पेप्टाइड के अमाइनो एसिड्स का जो चेन होता है वो काफी शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन, तो इसलिए इसे पेप्टाइड कहा जाता है। तो डियर व्यूवर्स, अभी बात करते हैं कि सी पेप्टाइड का फंक्शन क्या है। डियर व्यूवर्स, जब इंसुलिन बनता है तो इंसुलिन बनने से पहले एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है जिसे प्रो इंसुलिन कहा जाता है। तो उस प्रो इंसुलिन के दौरान ये सी पेप्टाइड क्या करता है कि ये इंसुलिन के ए चेन को मिला देता है बी चेन के साथ। जब ये दोनों चेन, ए चेन और बी चेन आपस में मिल जाते हैं सी पेप्टाइड के बदौलत, इसी की वजह से, तो सी पेप्टाइड खुद को निकाल लेता है और आखिर में जो मॉलिक्यूल बनता है तो वो बन जाता है इंसुलिन का। डियर व्यूवर्स, अभी बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है सी पेप्टाइड टेस्ट की, ये टेस्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो डियर व्यूवर्स, पहले नंबर पर जो चीज है वो ये है कि डॉक्टर ये जानना चाहता है कि पेशेंट को डायबिटीज टाइप 1 है कि टाइप 2 है, तो वो इस टेस्ट की मदद से पहचान पाएगा। कैसे पहचान पाएगा आगे जाकर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, डॉक्टर ये जानना चाहता है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज टाइप 2 है तो डॉक्टर ये पता लगाना चाहता है कि इस डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट का जो पेनक्रियाज है तो वो कितना इंसुलिन बना रहा है। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से यह भी पता लगाया जा सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्यों है, शुगर क्यों लो हो रहा है। दूसरा, इस टेस्ट की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कहीं इंसुलिनोमा तो नहीं है। इंसुलिनोमा बेसिकली एक ट्यूमर होता है जो कि पेनक्रियाज में बन जाता है, और वो ट्यूमर जो होता है वो बहुत ज्यादा मिकदार में इंसुलिन बनाता है। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट में कब इंसुलिन स्टार्ट की जाए। टाइप 2 का जो पेशेंट होता है वो ओरल मेडिसिंस पे होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कंडीशन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है और जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर इंसुलिन देना पड़ता है, या अगर इन पेशेंट्स में जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है अगर वो स्टार्ट हो जाए, तो इस टेस्ट की मदद से हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि कब टाइप 2 के पेशेंट में इंसुलिन जो है वो स्टार्ट किया जाए। डियर व्यूवर्स, अभी बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज जो है, रेफरेंस रेंज जो है, जो नॉर्मल वैल्यू है ब्लड में सी पेप्टाइड की, वो कितनी है। तो 0.5 से लेकर 2.0 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। डियर व्यूवर्स, सैंपल कलेक्शन क्या करेंगे इसके लिए, हम 3 से 5 ml ब्लड लेते हैं हम जेल टॉप ट्यूब में, और सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम निकालते हैं, और फिर एडवांस मशीनरी पर इस टेस्ट को लगाया जाता है। डियर व्यूवर्स, अभी बात करते हैं रिजल्ट के समझने पे कि किस तरह से हम इसके रिजल्ट को समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप बहुत गौर से देखिएगा। ठीक है, देखें, सी पेप्टाइड का टेस्ट और ग्लूकोज का टेस्ट यानी शुगर का टेस्ट, रैंडम पर हो, फास्टिंग पर हो, ठीक है, ये दोनों टेस्ट अगर साथ में लगाए जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डियर व्यूवर्स, अगर सी पेप्टाइड के टेस्ट की वैल्यू ज्यादा हो और जो शुगर टेस्ट आपने किया है रैंडम पर किया है या फास्टिंग पर किया है और उसकी वैल्यू अगर कम है, ठीक है, तो ये हमें बताता है कि पेशेंट को इंसुलिनोमा है, लेकिन वो इंसुलिनोमा जो है वो मेटास्टाइज कर गया है, यानी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था, उसके पेनक्रियाज में ट्यूमर था, और बाद में जब ये टेस्ट किया गया उसमें जो सी पेप्टाइड था वो हाई था, ग्लूकोज का लेवल जो था वो लो था, तो इसका मतलब है कि जो इंसुलिनोमा का ट्यूमर है वो फैल चुका है जिस्म में।
इसके अलावा हमें ये बताता है कि पेशेंट को शायद इंसुलिनोमा हो। इंसुलिनोमा जो है वो ट्यूमर है पेनक्रियास का, जिसमें जो एबनॉर्मल लेवल होता है इंसुलिन के बनने का वो स्टार्ट हो जाता है और यही ट्यूमर जो है वो इसे सिक्रीट करता है। इसके अलावा ये रिजल्ट जो है ये हमें बताता है कि पेशेंट जो है वो सल्फोनाइल यूरियाज ड्रग्स ले रहा है डायबिटीज टाइप 2 के लिए और मेग्लिटिनाइड्स ड्रग्स जो है वो ले रहा है। डियर व्यूवर्स, अगर सी पेप्टाइड का वैल्यू ब्लड में इंक्रीज है और जो शुगर टेस्ट है उसमें ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज है, तो ये टेस्ट हमें बताता है कि पेशेंट को क्या क्या हालत हो सकती है। तो उसमें जिससे जो फर्स्ट नंबर पर है वो है पेशेंट को डायबिटीज टाइप 2 है। ठीक है, तो डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है, सी पेप्टाइड का वैल्यू भी ब्लड में इंक्रीज हो जाता है और जो शुगर लेवल होता है वो भी पेशेंट के ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज टाइप 2 है या फिर पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है, फैट्स में, इस तरह लिवर्स में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं, यानी वो ग्लूकोज को लेना छोड़ देते हैं, तो इसे कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के वो इंसुलिन को कबूल नहीं करते, ठीक है, तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इसमें भी सी पेप्टाइड और ग्लूकोज का जो वैल्यू होता है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, शायद पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम हो, ठीक है, तो कुशिंग सिंड्रोम में जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। डियर व्यूवर्स, अगर रिजल्ट में जो सी पेप्टाइड है उसकी वैल्यू कम आती है और साथ में जो शुगर टेस्ट आपने किया है उसमें ग्लूकोज की वैल्यू भी लो आ रही है, यानी दोनों वैल्यूज लो आ रही हैं, तो इसका मतलब होगा पेशेंट इंसुलिन ट्रीटमेंट पर है, यानी कि इंसुलिन जो है उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को लिवर डिजीज है, या फिर पेशेंट को एडिसन्स डिजीज है। एडिसन डिजीज में जो स्टेराइडल हार्मोन्स होते हैं तो वो फिर एड्रीनल ग्लैंड नहीं बनाता, या फिर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, तो इन चीज़ों में, इन बीमारियों में, इन कंडीशंस में जो सी पेप्टाइड है और जो शुगर टेस्ट है उन दोनों की वैल्यूज कम आती हैं, लो आती हैं। डियर व्यूवर्स, अभी बात करते हैं कि अगर ये दोनों टेस्ट किए जाएं एक पेशेंट में और सी पेप्टाइड की वैल्यू लो आ जाए ब्लड में और ग्लूकोज की वैल्यू ब्लड में हाई आ जाए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है। तो ये याद रखिएगा, टाइप 1 डायबिटीज में सी पेप्टाइड की वैल्यू लो होगी और शुगर टेस्ट जो आप करोगे उसमें ग्लूकोज की वैल्यू हाई होगी, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर पेशेंट को पेनक्रियाटेक्टोमी की गई है, यानी पेशेंट के बॉडी से जो पेनक्रियास है वो ऑपरेशन के थ्रू रिमूव किया गया है। तो जब आप ये दोनों टेस्ट करोगे तो उसमें सी पेप्टाइड की वैल्यू लो आएगी और जो ग्लूकोज का टेस्ट करोगे उसमें ग्लूकोज की वैल्यू हाई आएगी, ठीक है। डियर व्यूवर्स, थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स फॉर वॉचिंग एमएलटी हब विद कामरान। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जो सी पेप्टाइड का टेस्ट है तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम पता लगाते हैं टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।